इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगर आगरा में आज से 3 वर्ष पूर्व 18 दिसंबर 2018 को एक हृदय विदारक घटना घटी थी। बताया जाता है कि संजीवनी नामक एक छात्रा जो कि स्कूल से घर आ रही थी और उसको ज्वलनशील पदार्थ डालकर आज ही के दिन यानी कि 18 दिसंबर 2018 को जिंदा जला दिया था। हम उनकी मां के पास पहुंचे हैं और उनसे जानते हैं कि इन 3 सालों में उन्हें न्याय मिला कि नहीं मिला और क्या कुछ कहना चाहती हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं संजीवनी की मम्मी हूँ। अच्छा, आज आपकी बेटी को 3 वर्ष हो गए हैं, तो क्या उसको न्याय मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना है आपका? नहीं मिला है, अभी 3 साल हो चुकी, कल 3 साल हो जाएंगे, इंसाफ ही नहीं मिला है। मेरी बेटी को दवाई भी दे रही है, आरोपी बाहर घूम रहे हैं और तारीफ भी पड़ रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, फिर क्या हुआ उनका? उन्हें जमानत पे छोड़ दिया है और तो... बाहर घूम रहे हैं, और जो पुलिस ने दवाई जो बताई है जो 100-800 की बताइए। तो अब क्या लग रहा है शासन की, प्रशासन की ओर से क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? अब आस लगा के तो बैठे हैं, नहीं तो प्रशासन जाने कि न्याय मिलेगा तो नहीं मिलेगा मेरी बेटी को। अभी तो कुछ नहीं मिला है, अभी तो बात दौड़ हो रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, और जो सरकार मुआवजा फुआवजा की कह गए थे, जमीन पमीन की कह गए थे, वो भी नहीं दिया है। सरकारी पट्टा मिला आपको? नहीं मिला, नहीं मिला। अच्छा, SC ST आयोग सहित यहाँ तमाम राजनीतिक दल के नेता आए थे, आपको वादा भी किए होंगे, तो कितने पूरे हो गए आपके बाद? नहीं हुए, एक भी नहीं हुआ है। सरकार से कितनी मदद मिली थी? सरकार से DM साहब चेक दे गए थे 5 लाख का, और इतने ही मिले सरकार से। तो और अब मेरे आदमी की नौकरी भी छूट गई है, नौकरी की कह के गए थे, किसी ने ये नहीं सोचा है कि दो वक्त की रोटी मिल रही है कि ना मिल रही, किसी बच्चों को उनकी मदद करें जाके, कोई सुनवाई ही नहीं करता है हमारी, ना कोई मदद करने तैयार होता है, क्या करें? केस जो लड़ रहे हो आप, तो आप अपनी तरफ से लड़ रहे हो या कोई संस्था आपकी तरफ से लड़ रही है? नहीं, हम ही अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, कोई संस्था नहीं लड़ रही है। तो उसमें पैसा भी खर्च हो रहा होगा आपका? जी, उतना जो मिला है वो सब खर्च हो चुका, और आदमी की जो 3 साल से नौकरी छूटी है उस केस की वजह से, तो बच्चा उपाले हैं, लॉकडाउन में कहीं भी मजदूरी भी नहीं चली है। मैं राजकुमार चार के पास गई थी, एप्लीकेशन लेके नहीं है, उनने कोई जवाब भी नहीं दिया है। अब आप क्या चाहते हो? यही चाहते हैं मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाए, न्याय मिल जाए, और जो मदद है सरकार से वो मदद मिल जाए मेरी। आपकी बेटी के आरोप में सगे संबंधी ही आरोपी थे, तो अब उनकी तरफ से क्या किस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है? सभी से संबंध छूट गए मेरे, तो कोई रिश्तेदार, कोई घर का, कोई भी नहीं है मेरा, सिर्फ नहीं हुआ अकेले इस गांव में। किस क्यों छूट गए संबंध, क्यों छूट गए? इसीलिए कि मेरी बेटी जला के मार दी, और पुलिस ने जो घर के आरोपी बताए और गिरफ्तार भी किए, और 2 साल करू जेल में भी हो गए, अब जमानत पे छूट भी गए, अब किस पे विश्वास करें? अभी मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा जब ही तो विश्वास होगा। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वे तो सीना तान के लिए चलते हैं, आरोपी छूटे आएगा जेल से, अब ये तो ये सोच रहे हैं कि हम छूटे आए तो अब कुछ भी नहीं होगा हमारा। अब हम डर लगते हो, बच्चन ने डर लगते है, और हम सुरक्षा चाहते हैं, कोई मैं कुछ भी नहीं आता है पुलिस प्रशासन के, कैसे हैं बच्चे, कैसे नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। संजलि की मां अनीता देवी ने बताया है कि आज से 3 वर्ष पूर्व जिस प्रकार उनकी बेटी को मार दिया गया था ज्वलनशील पदार्थ डालकर, उसमें तमाम राजनीतिक नेताओं के द्वारा यहां वायदे किए गए थे, तो वहीं 3 वर्षों में उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला।
बेटी के आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सरकारी मदद भी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा था SJST आयोग सहित तमाम राजनीतिक दलों ने उस समय काफी वायदे किए थे, इसके बावजूद भी उन्हें सरकार के द्वारा एक भूखंड भी मिलना था, परंतु सरकारी पट्टा आज तक नहीं मिला है। उनका कहना है कि जो सरकार से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली थी वो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के न्यायालय के चक्कर में ही सब कुछ खर्च हो गया। वहीं बता दें कि कोरोना के दौरान उनकी नौकरी भी न मिलने से बच्चों के भी आर्थिक संकट गहराया रहा, ऐसा उनकी माँ अनिता देवी का कहना है। वहीं उन्होंने बताया कि सगे संबंधियों ने भी नाते रिश्ते तोड़ लिए हैं, अब वो अपनी बेटी के इंसाफ की लड़ाई आगे भी लड़ेंगी, यह उनका कहना है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।